सिर्फ दो चीज़ों से, साबुतदाने और पानी से बनाए बहुत स्वादिष्ट पापड़ जो सभी को पसंद आएंगे। इसके लिए साबुतदाना लेंगे, एक पाव भीगे हुए, एक पतीला चढ़ाएंगे, उसमें 3 लीटर पानी डालेंगे। गैस की फ्लेम तेज करेंगे, उसमें नमक डालेंगे। मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब 2 चम्मच जीरा डालेंगे और इसे अब अच्छे से चला देंगे ताकि नमक और जीरा अच्छे से घुल जाए। अच्छे से उबाल आने देंगे इसमें। जब तक उबाल ना आए आप साबुतदाना ना डालें। इसमें उबाल आ गया है, अब हम डालेंगे साबुतदाना। धीरे से डालें ताकि पानी आपके ऊपर ना आए, क्योंकि पानी से प्रॉब्लम हो सकती है। धीरे धीरे डालें साबुतदाने को, पूरा साबुतदाना हम इसमें डाल देंगे एक साथ। अब इसे थोड़ा चला देंगे, नीचे लगे ना इसलिए धीरे धीरे चलाते रहेंगे थोड़े थोड़े समय के बाद, क्योंकि नीचे अगर लग गया तो काला हो जाएगा। ये देखिए, ये 10 मिनट में उबल गया है, पक गया है। अब इसे पन्नी में तेल लगाकर फैला देंगे, एक एक चम्मच दूर दूर। तेल इसलिए लगाएंगे कि नीचे चिपके ना। इसी प्रकार सारे साबुतदाने के पापड़ को हम फैलाएंगे धीरे धीरे। गर्म नहीं लगना चाहिए और इन्हें 2 दिन की धूप में सुखा लेंगे। ये देखिए, 2 दिन की धूप में बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हम तल के देखेंगे। ये देखिए, गरम तेल में डालना है और धीरे धीरे तलना है। बढ़िया बने हैं साबुतदाने के पापड़। ये देखिए बढ़िया कितने बड़े हुए। हमने छोटा सा एक पीस डाला और ये इतना बड़ा बन के आया हमारे सामने। ये देखिए, और हम 2 डाल के देखेंगे। ये देखिए, कलर भी बिल्कुल सफ़ेद आया है। ये देखिए, हमने 6-7 पापड़ तल के देखे हैं और इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी आ रही है, कड़क बिल्कुल। अब देखिए, मैं खा के देखती हूँ इसको, एक बहुत अच्छा टेस्ट आया है। आप भी बनाइए घर पे और परिवार के साथ शेयर कीजिए।